हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूजा कुशांशा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी पांच चीजें जिनमें से आपको बहुत अच्छा प्रोटीन मिलेगा। वैसे मैंने ऐसा सुना है, बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप वेज हो तो आपकी बॉडी में इतना अच्छा प्रोटीन आप नहीं ले पाते होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ क्योंकि मैं भी वेज हूँ, प्योर वेज हूँ। ऊपर से मैं जैन हूँ तो मेरे घर में तो गार्लिक ऑनियन भी अलाउड नहीं है। तो मैंने अपने वेट लूज के फेस में कौन सी ऐसी चीजें खाई है जिसकी वजह से मुझे अच्छा प्रोटीन मिला है। मैं कोई सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसी पांच चीजें बताऊंगी जो आपके किचन में है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी बॉडी में प्रोटीन क्यों जरूरी है। सबसे पहले, आप एवरीडे एक्सरसाइज करते हो तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल्स ब्रेक होते हैं जिसकी वजह से आपको सेकंड डे बहुत पेन होता है। तो प्रोटीन क्या करता है, जो आपके मसल्स ब्रेक होते हैं उसको प्रोटीन बहुत अच्छी तरीके से रिपेयर करता है और आपकी बॉडी दूसरे दिन एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो जाती है, ओके। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जितना भी खाना खाए उनका वेट गेन ही नहीं होता है। तो वो इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी में रोज बहुत अच्छा प्रोटीन इंटेक हो रहा होगा, इसलिए। तो अगर आपकी बॉडी में आप अच्छा प्रोटीन ले रहे हो तो आपका वेट भी गेन नहीं होगा और आपका वेट लूज भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको मेरी चैनल का नाम पूजा कुशांग शाह के बाजू में एक रेड कलर का आइकॉन है सब्सक्राइब का, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे वो रेड कलर ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो समझ लीजिए आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। आप शेयर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। मैं हो सके उतना कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, स्नैप पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको कौन सी पांच चीजें खानी है जिनमें से आपको बहुत अच्छा प्रोटीन मिलेगा, ओके। तो सबसे पहला है सोया चंक्स, जिसे आप सोया बड़ी के नाम से जानते हो, और आप सब लोगों को पता है कि सोयाबीन सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, तो उससे बनी हुई चीजों में भी अच्छा प्रोटीन होगा। 100 ग्राम सोया चंक्स में 51 ग्राम प्रोटीन है गाइस, 51 ग्राम, ये बहुत अच्छा रेशियो है प्रोटीन का। उसमें 33 ग्राम कार्ब्स भी है, लेकिन रुकिए इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, 33 ग्राम कार्ब्स है लेकिन उसमें 13 ग्राम फाइबर है, तो कार्ब सिर्फ 20 ग्राम है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फैट इसमें ओनली 1% है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप आराम से इसे खा सकते हो, ये सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए, ओके। तो दूसरा है टोफू यानी सोया पनीर। अगर आपको सोया चंक्स नहीं अच्छे लगते हैं तो आप टोफू भी खा सकते हो, ये भी बहुत अच्छा रेशियो रखता है प्रोटीन का। 100 ग्राम टोफू में 50 ग्राम प्रोटीन है, इट्स अ गुड रेशियो। इसमें कार्ब्स और फैट है ही नहीं, दोनों 1 या 2 ग्राम होंगे, इससे ज्यादा नहीं होते हैं, तो आप बंद करके टोफू खा सकते हो। एवरीडे आप 300-400 ग्राम ले सकते हो, इट्स इनफ फॉर यू अकॉर्डिंग टू मी, ओके। और ये सेकंड बेस्ट अच्छा ऑप्शन है फॉर हाई प्रोटीन। तीसरा ऑप्शन है गाइस पनीर, और पनीर मुझे पता है एवरीवन लाइक सो मच पनीर, सबको बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि पनीर में फैट होता है। 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम फैट है गाइस। जिस तरह आपकी बॉडी को फाइबर चाहिए, प्रोटीन चाहिए, उसी तरह आपकी बॉडी को फैट भी चाहिए, लेकिन गुड फैट चाहिए। तो ये जो 20 ग्राम फैट है वो गुड फैट है, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन है, थोड़ा कम है पहले के दो ऑप्शन से, लेकिन पनीर सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए ये भी एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है इसमें कोई कार्ब्स नहीं है, कोई फैट नहीं है, मतलब 0 ग्राम फैट और कार्ब्स है इसमें, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। तो आप इसे आराम से खा सकते हो, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का पनीर। फोर्थ है आलमंड। आलमंड के बारे में मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको कहा है कि आलमंड आपको कंपलसरी अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करना ही करना है। अगर आप 100 ग्राम आलमंड की बात करें तो उसमें 9 ग्राम प्रोटीन है। आई नो थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको पता ही है प्रोटीन के साथ साथ वो बहुत सारे और भी बेनिफिट देता है। इसमें फैट भी है, जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में कहा था 18 ग्राम फैट है, लेकिन वो गुड फैट है, तो आप आलमंड ले सकते हो कुछ भी बिना सोचे, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए भी और बहुत सारी चीजों के लिए।
ओके गाइस, फिफ्थ है सोयाबीन। जैसे मैंने पहले ही कहा, सोयाबीन आर ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर हम 100 ग्राम सोयाबीन की बात करें तो उसमें 30 ग्राम कार्ब्स है, लेकिन उसमें 9 ग्राम फाइबर है, तो 21 कार्ब्स आर ओके, राइट। उसमें 36 ग्राम प्रोटीन है, और 36 ग्राम जो प्रोटीन है उसका 27% उसमें कैल्शियम है, तो इसमें आपको अच्छा कैल्शियम मिल जाएगा, फाइबर मिल जाएगा और प्रोटीन भी मिल जाएगा। और इसमें फैट है 20 ग्राम है, लेकिन गुड फैट है। और इसकी सबसे बड़ी बात कि इसमें 0 ग्राम कोलेस्ट्रॉल है, मतलब कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको एक साथ मिल रही है सोयाबीन में, तो ये आपको अपने डाइट में ऐड करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में बहुत अच्छा प्रोटीन आप इंजेक्ट कर सको। ओके गाइस, तो मैंने आज आपको जो चीजें बताई है वो सारी की सारी प्रोटीन के लिए बहुत अच्छी है। मुझे पता है इसमें कार्ब्स भी है, इसमें फैट भी है, लेकिन वो अच्छा फैट है और कार्ब्स का रेशियो भी इतना ज्यादा नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये हमें खाना चाहिए, क्योंकि इसमें से हमें प्रोटीन बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है। ओके, और अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन अच्छा होगा तो आपकी बॉडी आपको वेट लूज में जल्दी रिजल्ट देगी और आप हेल्दी रहोगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बनता है, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस मिस ना करो, ठीक है। और तब तक बस मेरी तरह खुश रहिए, जितना आप खुश रहोगे उतना आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा और आपको मजा आएगा। तब तक स्टे ट्यून्ड विद मी पूजा शाह। Stay fit guys, always.